जय श्री राम सभी को। तो अभी रात में जो यही मंदिर में रुके थे, यहीं पे ये भैया जो है साइकिल से भारत यात्रा कर रहे हैं, तो ये भैया रात में हमको यहीं मिल गए थे। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिला है, वहाँ पे मेरा बैग का सेटअप है, आइए आप हम सेटअप दिखाते हैं अपना। ये रहा मेरा सेटअप, और ये जो है मेरा कल जो है टूट गया था, बहुत पतला था, तो ये यहाँ पे लाठी दिए हैं, लाठी पूरा सेटअप कर लिए हैं जो है। देखिए ये जो ये जय श्री राम, ये कक्का बहुत ही हेल्प किए हैं रात से ही। जाइए मंगलमय हो जी जी बाबा का फोटो जाके ले जी जी जा रहे हैं, जा रहे हैं हम जो बाबा जो रात में खाना खिलाए थे, मतलब कि घर से रोटी ला के सब्जी उसके बाद दूध पिलाए थे, तो उस बाबा को हम आप मिलाते हैं। उस बाबा भी वो बाबा भी पूजा कर रहे हैं, तो उस बाबा से हम आपको कुछ बात कराते हैं। तो यही एक मतलब कि बाबा है जिसका यहाँ पर पूजा होता है, यहीं पे एक बाबा है ये। तो आप यहाँ से जो है रात में अभी जो है थोड़ा फल तल जो कल ही दिए थे, फल तल तो वही अभी खाए हैं, अब जो है निकल रहे हैं, रास्ता में भी कुछ खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। तो अभी अभी तो जो रात में कल जो फल तल दिए थे वही खाए हैं। अभी अभी निकल रहे थे तो बाबा को जब देखे हम लोग को निकल रहे थे, तो बोला कि थोड़ा सा नाश्ता कर लो, उसके बाद ही जाना है। तो अभी जो है वही बाबा बुलाए थे नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करके निकल गए हैं। चूरा दही, दही चूरा था, चीनी केला मिठाई दिए थे, उसके बाद बोले क्या ये मिथिला का सबसे प्रसिद्ध भोजन है, तो यही बोले जी हम जानते हैं मिथिला का प्रसिद्ध भोजन है। अभी हम निकल चुके हैं, अभी तो लगभग 100 मीटर चले होंगे मंदिर से, जहाँ रात में रुके थे वहीं तो 100 मीटर चले होंगे। अब यहाँ से देखते हैं 10-15, 20-25-30 किलोमीटर तक चलना है, तो अभी शुरू ही हुआ है, तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। तो आइए इससे भी कुछ बात करते हैं, पूछते हैं। तो भैया आप कहाँ से हैं? कटिहार जिला। तो आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाना है? अभी हम भारत भ्रमण कर रहे हैं। भारत भ्रमण मतलब पूरा प्रसिद्ध मंदिर जाना है, चारधाम यात्रा करना है जी, और रास्ते में जितने भी छोटे बड़े मंदिर होंगे उनके दर्शन करते हुए जो है आगे बढ़ना है जी। तो रात में हम दोनों आदमी एक ही जगह रुके थे, अभी हम दोनों नाश्ता किए हैं, तो अब ये भैया साइकिल से निकल दिया, अब हम जो है हम भी पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक भैया, ठीक है निकलिए। अभी तो जा रहे थे तो ये भैया सब रास्ते में मिले हैं, तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले सेटअप देख लीजिए, ठीक है मेरे तरफ से आशीर्वाद है, जाइए। तो कुछ भैया फोन पे पर भी कुछ राशि दिए हैं, और ये भैया सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कुछ बोलना चाहते हैं भैया? अच्छा है भाई, जा रहे हैं राम राम भाई सब जा रहे हैं, तो बढ़िया है, हम तो शुभकामना दे रहे हैं कि अच्छा जाइएगा, रास्ते जहाँ हो सब आदमी जहाँ दिलते हैं हेल्प कीजिए, भैया को बहुत सपोर्ट कीजिए, ऐसे आदमी को प्रेरित कीजिए जो बस के कर दिए अभी है, ये सब बात है। अभी एक टोटो वाला भैया पूछे कि किधर जाना है, तो बोले कि बिरौल जाना है, तो बोला इधर इस होके कहाँ से, तो बोले कि सब किस होके, बोला अभी थोड़ा कुछ आगे एक रास्ता था उधर ही मुड़ना था, उधर मुड़े नहीं, हम मैप में नहीं देखे तो हम चल दिए, तो बोले कि इस होके जाओ थोड़ा दूर है, तो आगे मिलेगा रास्ता, मेन रोड मिलेगा ना, तो वहाँ पर फिर जो है चल देना है। ठीक है धन्यवाद, जय श्री राम भैया। तो निकल गए, अभी एक राम जी मिले, तो बोले कि ये जो तिरंगा है इसके जगह पे बालाजी का होना चाहिए, काहे कि प्रभु श्री राम का प्रिय भक्त जो है कि बालाजी ही है, तो उसका झंडा होगा तो और अच्छा लगेगा। तो बोले कि चलो आगे, हम आगे जाते हैं। बोले जी अभी हम जा रहे थे तो ये भैया मिले हैं, तो भैया जी भैया आप क्या करते हैं? मेरा काम है रोड का सर्वे नॉर्थ इंडिया के लिए। भैया बोल रहे हैं कि रोड का सर्वे करते हैं पूरा इंडिया भर? नहीं अभी तो हम बिहार झारखंड कर रहे हैं, अभी बिहार झारखंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर यूपी निकलेंगे। तो भैया अभी कुछ मेरे बारे में बोले हैं, बताएं कि ऐसा ऐसा करना है, तो रात नंबर लिए हैं,
शाम में फिर जो है हमको बोले बात करने करते हैं, तो ठीक है भैया सर, जय श्री राम। अभी ये सर ये भैया सब मिले हैं, बोले सेल्फी ले लेते हैं, तो बोले जरूर ले लीजिए। ये सब का तो भैया आप देखे तो रुके, हम लोग रुकिए, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पैदल जा रहे हैं जी भैया। और कुछ तो और यही कहेंगे हम लोग से भी दुआ, हम लोग के लिए भी दुआ मांगिएगा जी जी, जरूर मांगेंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि सपोर्ट करेंगे भाई, पैदल में हमको हौसला मिले। अकेले हैं जी? अकेले हैं, मैं अकेले पैदल यात्रा कर रहे हैं, लगभग 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर तो है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल का नाम बताइए वहाँ पर, चैनल हम लोग का भी भव्य रुपए आ गया अब कब चले कल ही। तो अभी चलते चलते बहुत थक गए थे तो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ये मंदिर है, इसी मंदिर के पास बैठे हैं। ये भैया जो है घर से खाना ला के हमको खिलाया अभी चावल, ये भैया सब अभी हमको बहुत अभी हेल्प किए, पानी तानी पिलाए हैं। तो बोले एक भैया है पत्ती चाहिए तो पत्ती लेके आ रहे हैं गए लेने के लिए। तो भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम तमाम सनातनी की ओर से आप सबके आपके लिए दुआ मांगेंगे कि आप सलामत वहाँ पहुँच जाए। जी जी जी, तो जय श्री राम भैया, जय श्री राम जी। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, अब अभी पैदल चला नहीं जा रहा, अब सुबह से लगभग अभी 20 किलोमीटर चल चुके हैं, अब हिम्मत काम नहीं कर रहा चलने का, पैर भी लग रहा है, छाला पड़ गया नीचे में, पैदल चल नहीं पा रहे हैं। आप अपना सहारा बनाए रखें प्रभु जी, हम आपके दर्शन में बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे, जय श्री राम। अभी हम इस पुल पे थे तो मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था, बट हमको बालाजी पे बहुत ही विश्वास था कि कोई ना कोई जरूर आएंगे मदद करेंगे। तो ये दोनों भैया अभी हमको पानी और इसमें पता नहीं क्या है, सेब है, सेब और केला दिए हैं। और ये भैया जो है जा रहे थे कुछ सामान ये बेचते हैं, तो देखे हमको तो रुके, बोले कि अगर अयोध्या जा रहे हैं तो मेरे लिए भी ये 101 रुपया का प्रसाद चढ़ा देना। आपका क्या नाम हुआ भैया? रोहित कुमार सर। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद मदद करने के लिए। थैंक यू भैया, तो जी जी कृपा है, बस दुआ मनाइएगा कि बस सब सही सलामत रहे। जी जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। तो रात में जो है यहीं पे बगल में स्कूल है तो यहीं पे रुके, तो ये भैया बुलाए कि यहीं पे रह जाओ, रात में यहीं सोए थे, भैया खाना खिलाए, अभी भी नाश्ता करवाया, रात में भी खाना खिलाए थे। तो जय श्री राम भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद रात में सेवा करने के लिए मेरा। ठीक है तब निकलते हैं भैया, जय श्री राम।